हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइज, आज मैं आपको अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी बहुत ही आसान से तरीके में। तो इसमें ये मैंने जो फैब्रिक लिया है वो साड़ी का फैब्रिक है। ये लगभग 6 मीटर के करीब लंबी है। तो इसमें से हम ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, ये इनर वाली मैं कुर्ती बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊपर से चोली कट करूंगी और उसके बाद इसकी कलिया कट करूंगी। तो आप ध्यान से देखना, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ से ये फैब्रिक लिया है, इसका डबल तय में मैंने ले लिया है। तो इसकी मैं सबसे पहले चोली कट करूंगी। तो चोली के लिए मैंने ये ऊपर से, जैसे कि मैं 14 इंच की तैयार करूंगी, तो मैंने डबल में 14 इंच ये इसकी लेंथ और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 15 इंच का हमने फैब्रिक ले लेना है। अब हम इसमें से निशान लगाएंगे फ्रंट और बैक के दोनों। इसको हम पहले अलग कर लेंगे पूरे को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे कि मैंने ये दोनों इसे कट कर लिए हैं, तो पहले मैं फ्रंट हिस्सा कट करूंगी। हम इस तरह से भी इसकी लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि ये जॉर्जेट में है तो इसकी कोई मतलब यूरेब नहीं है, जैसे कि बर्डन नहीं लगता है कोई कपड़ा, तो ये एकदम से सीधा है। इसको हम किसी तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से इसकी लेंथ लेंगी। ये हमने फ्रंट हिस्सा सबसे पहले हम कट करेंगे। तो मैंने एक हिस्सा उठा लिया है, उसमें से जैसे कि हम यहाँ से तीरा लेंगे। फ्रंट हिस्सा हम आगे से ओपन रखेंगे, इसलिए मैंने ये ओपन वाला हिस्सा इधर लिया है। तो इसका जो तीरा लेंगे वो, इसका मैंने जैसे कि बोट नेक बनाना है, तो बोट नेक के हिसाब से मैं इसका तीरा 7.5 इंच लेंगी। जैसे कि जितना भी हमारा शोल्डर होता है, बोट नेक में हम उतना ही तीरा लेते हैं। और 7.5 हमने यहाँ से ले दिया, 7.5 का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमें सामने का पता चल जाए। तो यहाँ से हमने निशान लगा देना है और 7 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो इसकी फिटिंग है उसका हम निशान लगा देंगे, जैसे कि फिटिंग इनकी 10 इंच है यहाँ से और 2.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से लेंगे, और 8 इंच का जो कमर का निशान है, और इसके बाद यहाँ से 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम इसकी कुर्ती आगे से कट कर देंगे। ये हमारी जो राउंड शेप होगी यहाँ से, इस तरह से पहले हम इसको कट कर देंगे पूरे को। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया है। अब मैं आपको बैक हिस्सा कट करके दिखाऊंगी। ये हमने बैक हिस्से के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, और इस पर भी हम बैक हिस्सा हमने यहाँ से फोल्ड लेना है, इनके हमारा बंद हिस्सा होना चाहिए बैक से, और आगे से हमारा ओपन था। तो इसको भी हम इस तरह से ही कट कर देंगे। हम ये दोनों एक साथ भी काट सकते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से ही आता है कि फ्रंट और बैक अलग अलग कट करती हूँ, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए। तो इनको हम चोली को अलग रख देंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये फैब्रिक बच गया है, इसको हम फोल्ड करेंगे कली कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इस तरह से 4 फोल्ड इसको कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारी 8 तय हो जाएंगी। इनकी 4 तय हमारी ये हो चुकी हैं, 8 तय हमारी अब हो जाएंगी। और इसको हम फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारी 16 तय हो जाएंगी दोस्तों। तो ये मैंने 16 तय इस तरह से फोल्ड कर ली हैं। ये हमने जैसे कि यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा देना है, ये हमारी जो 16 इंच तय हो गई थी इस पर, और 2 इंच से हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। जैसे कि इस निशान के साथ हम इस निशान को मिला देंगे आपस में, और जैसे कि इसकी हम लेंथ भी देखेंगे। जैसे इसको हमने इस तरह से बिछा लिया था, और इसके बाद हम जैसे कि ऊपर से हमने जो चोली रखी थी वो 14 इंच तैयार रखनी है, यानी कि 14-15 की हमने ली है, तो हम 1/2 इंच दबाई के लिए छोड़ के 14 इंच पर यहाँ पर रखेंगे। और जितनी हमने लेंथ तैयार करनी है, जैसे कि हमने 15 इंच तैयार करनी है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको हमें नीचे से अलग कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने 2 इंच यहाँ से ले लेना है यहाँ से, और 2 इंच हम इधर से लेंगे। इस 2 को और इस 2 के साथ मिला देंगे इस तरह से। इसका मेजर हम किस तरह से लेते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। जैसे जितनी हमारी वेस्ट होती है, इनके कमर जैसे 32 है, तो 32 को हम 32 से भाग करेंगे, यानी कि जितनी भी हमारी कलियाँ होती हैं उतने से ही हम इसको भाग करते हैं। तो हमारा आ गया 1 इंच, और 1 इंच में हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा ज्वाइंट में जाएगा दोनों तरफ से 1-1 इंच। तो ये हमारा हो गया 2 इंच, इसलिए मैंने इस तरह से इसका हिसाब निकाला है। हमारी कट कर तैयार हो चुकी हैं। तो ये मेरी 32 कलियाँ हैं। तो ये मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए अलग अलग रखी थी, इसलिए ये
कपड़ा इस तरह से हो गया ऊंचा नीचा, बाकी ये एकदम से परफेक्ट कटी हुई है। और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो उस टाइम हम ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसको अपने हिसाब से सेट कर देंगे। तो ये हमने सभी को इस तरह से इनको जोड़, जब हम इनको ज्वाइंट करें तो हमने क्या करना है, जो तिरछी है उसको तिरछी के साथ जोड़ना है और जो सीधी है उसको सीधी के साथ जोड़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोली तैयार करेंगे और चोली को तैयार करने के लिए हमने पोटली बटन बनाने हैं। पोटली बटन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि मैंने कत्तर थी हमारे पास जो मैचिंग का कपड़ा था सेम उसी का, हमने उसकी छोटी छोटी कत्तर कट कर ली है और उसका हल्का हल्का राउंड सी गोली सी हम बनाएंगे और इसके जो मेन फैब्रिक है उसके अंदर इसको रखेंगे, यानी कि जो अपोजिट कलर का हमने लगाना है उसके अंदर इसको रखेंगे और धागे को इस तरह से लपेट देंगे। हमने धागे को थोड़ा आगे तक लपेटना है और फिर इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हमने सभी पोटली बटन तैयार कर लेने दोस्तों। तो ये मैंने सभी पोटली बटन तैयार कर लिए हैं। अब हम मैं इसको की आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये मैंने जो फ्रंट हिस्सा है चोली का वो लिया है, ये दोनों ही मैंने इनर इन पर अटैच कर लिए थे, दोनों पर मैंने इनर अटैच कर लिए हैं। और अब हम इसके पोटली बटन लगाएंगे, उसके लिए हमें सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सिंगल फुट लगा लिया है। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने पोटली बटन कहाँ तक लगाने हैं और कहाँ से लगाने स्टार्ट करने हैं। तो ये मैंने बोट नेक इसके ऊपर लगाना है और बोट नेक की जो लेंथ है वो 4.5 मैंने रखी है, तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया और 5 इंच पर से ही हम लगाना शुरू करेंगे। तो जो मेरा सिंगल फुट है ये अपोजिट साइड का है, इसलिए मैंने नीचे से पोटली बटन लगाने शुरू किए हैं। तो हम सभी पोटली बटन पूरे जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक लगा देंगे। हमने पोटली बटन को सीजर्स की मदद से थोड़ा सा दबा करके फिर लगाना है, इससे थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी फिनिशिंग आती है दोस्तों। तो हमने पूरे पर ये पोटली बटन लगा लेने हैं। ये अनारकली जो फ्रॉक है बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों, बाकी इसकी कुछ वीडियो क्लिप छोटी छोटी कट हो गई हैं दोस्तों मुझसे गलती से, वो मैं आपके लिए नहीं डाल पाई पूरी प्रॉपर। तो जहाँ से मुझे पॉसिबल लगा, जहाँ से मैं डाल पाई वो मैंने आपके लिए डाला है दोस्तों। तो जितना कुछ समझ आए उसको समझ लेना प्लीज़, क्योंकि इसकी जो वीडियो थी वो मुझसे गलती से कट गई थी, वैसे मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया था, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। ये मैंने पूरे पोटली बटन इस पर लगा लिए हैं, एक आध मेरा कम रह गया था, फिर से मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर रही हूँ मैंने कैसे पोटली बटन बनाए थे और किस तरह से मैंने इस पर लगाए हैं। तो इसका मैं फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। ये मैंने बोट नेक इसका निशान फिर से एक बार लगाया है कि यहाँ तक हमने लगाने हैं, ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से एक सिंगल फुट से ही पूरी ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जैसे सिंपल बोट नेक तैयार करते हैं उसी तरह से बोट नेक तैयार कर लेंगे। इसको कट करके मैंने ऊपर का जो चोली वाला हिस्सा है तैयार कर लिया है। ये मैंने इस तरह से इसकी कलियां जोड़ी थी दोस्तों और नीचे मैंने पिको कर ली थी, ये बहुत ही सुंदर बना था, बट छोटी ही क्लिप कट गई है। ये इसका फाइनल लुक है दोस्तों। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी बट टाइम की वजह से मैं डाल नहीं पाई, तो ये मैंने इकट्ठी करके कुछ कुछ डाली है, कुछ कट गई। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।